सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्पेस मार्शल 3 ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं पूरी तरीके से ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गेम को ओपन कर लिया है और गेम का साइज़ है 1.1 GB और हमारा गेम वर्क भी करता है, यानी कि ये एक ऑफलाइन गेम है। और अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है तब भी आप प्ले कर सकते हैं, नहीं है तब भी प्ले कर सकते हैं। एक बार और मैं दिखा दूं कि मेरा मोबाइल डेटा वाईफाई दोनों ऑफ है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि चैप्टर्स हमको सारे परचेस करने पड़ेंगे इसके अंदर में। अब अगर हम न्यू गेम करें ना, तो यहाँ पर मैं न्यू गेम ही कर देता हूँ और मुझे बेच नंबर 595 मिला है। अब ये जो गेम है ना, स्पेस मार्शल जो सीरीज़ है, इसका थर्ड गेम है। और अगर आप देखें ना, तो स्पेस मार्शल सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है और मतलब काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज़ है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छा था, लोगों के बीच में रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। पर एक चीज़ है कि स्पेस मार्शल 3 में जो है ना, आपको रेटिंग्स 2 की देखने को मिल रही है अभी, यानी कि सारी रेटिंग्स जो होती थी ना स्पेस मार्शल सीरीज़ की, वो 4 के ऊपर ही होती थी। पर इसके अंदर में इतनी कम रेटिंग के पीछे कुछ रीज़न है कि शायद इसके अंदर में एड्स से ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, मैंने रेटिंग पढ़ी थी रिव्यूज़, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसके अंदर में जो है ना रेट्स जो है ना, मतलब गेम के अंदर में जो एड्स है ना, सॉरी रेट्स नहीं, एड्स जो है ना गेम के अंदर में वो बहुत ज़्यादा है। तो एक वो रीज़न वो भी हो सकता है कम रेटिंग का, पर उसी के साथ में और भी कुछ शायद कमियाँ होंगी गेम में। मतलब सारे एड के नहीं थे, बहुत सारे रिव्यू अलग अलग भी थे, कुछ परचेस से रिगार्डिंग भी थे, तो कुछ और मतलब चीज़ के भी थे। शायद एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी प्लेयर्स की इससे। पर हाँ ये है कि आप इसको ऑफलाइन में प्ले कर सकते हैं, पर सारे परचेस मतलब सारे चैप्टर अनलॉक नहीं मिलेंगे आपको। और मतलब आज की लगभग बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल हेल्प लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।